गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। याद होगा आपका, हमने लास्ट क्लास में 7.6 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था, ये आपके सामने स्क्रीन पे। और हमने क्वेश्चन नंबर कुछ आज हम क्वेश्चन लेके चलेंगे, उसके आगे लेके चलेंगे, ठीक है। इससे पहले मतलब इस क्लास में हम उन क्वेश्चन को करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि सेम फंक्शन में, यानी अगर सिंगल फंक्शन दे रखा हो उसमें भी हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग दैट सिंगल फंक्शन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, राइट। उससे पहले मैं एग्जांपल कराना चाहूँगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें sec cube x dx का इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। अब इसमें से एक को फर्स्ट फंक्शन और एक को सेकंड फंक्शन हमने एज्यूम करना है। और किसको फर्स्ट और किसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करना है, ये डिपेंड करता है कि किसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है, किसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है, और कौन सा ऐसी फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन सिंपल फॉर्म में आए, राइट। तो देखिए यहाँ पे, अगर मैं sec x का इंटीग्रेशन करता हूँ मान लीजिए, तो इसका जो आंसर होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है, ये सब फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा स्टूडेंट्स, बताइए क्या होता है, ठीक है। इसका होता है log दैट इज log sec x प्लस टेन एक्स, राइट स्टूडेंट्स। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, दैट इज 10x। तो किसका इंटीग्रेशन करना आसान है स्टूडेंट्स, किसका इंटीग्रेशन एक सिंपल फॉर्म में आता है, sec स्क्वायर x का। तो जिसका इंटीग्रेशन एक सिंपल फॉर्म में आएगा उसको आपने सेकंड फंक्शन एज्यूम करना है, तो इसको हमने सेकंड फंक्शन एज्यूम कर दिया, राइट स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस अज्यूम दैट इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब एक्स इज i, सो i बिकम्स इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है इसमें क्या अप्लाई कर लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये फॉर्मूला हमारे पास था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको यूज करते हैं हम, तो फर्स्ट फंक्शन कितना है sec x है, सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास sec स्क्वायर x dx माइनस फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। स्टूडेंट्स sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट sec x 10x, राइट। तो दिस इज योर sec x 10x, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट मींस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, राइट स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स अभी क्या हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर चुका हूँ फर्स्ट फंक्शन का, तो इसको आप चाहिए तो बाद में लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट, फिलहाल आप इसको लिखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिखिएगा, राइट। अब देखिए ये हो गया sec x का, ये जो sec स्क्वायर x है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, 10x होता है माइनस इंटीग्रेशन, इस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, डिफरेंशिएशन में sec x क्या होता है sec x 10x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स दिस कैन बी डन एज sec x 10x माइनस
इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम, ये जो है sec x tan square x dx, राइट। एक बार पीछे घूम के देख लेते हैं स्टूडेंट क्या किया था हमने, क्या क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इसको ये क्वेश्चन था, देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स, किस तरह से हमने किया ध्यान से देखिएगा आप लोग, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने किया था। तो इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके स्क्रीन पे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने किया था। अब देखिए स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे इसको हम, दैट इज आई इक्वल टू सेट एक्स टेन एक्स माइनस, ये sec x है राइट, ये जो tan square x है, दिस tan square x कैन बी रिटन एज sec square x माइनस वन, sec square माइनस वन dx, राइट स्टूडेंट्स, नाउ इट बिकम्स sec x tan x माइनस ओपन द ब्रैकेट sec cube x प्लस इंटीग्रेशन sec x dx, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको हमने क्या एज्यूम किया था, ये जो इंटीग्रेशन जो जो मिडिल टर्म है इसको हमने क्या एज्यूम किया था, आई एज्यूम किया था। तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये एक तो आई यहाँ पे है और ये माइनस आई लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू sec x tan x, और ये जो थर्ड टर्म बची है sec x का इंटीग्रेशन, एंड यू नो इट वेरी वेल दैट इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज log ऑफ sec x प्लस tan x, ठीक है स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज i प्लस आई, दैट इज 2i, सो इक्वल टू sec x tan x प्लस log sec x प्लस tan x, राइट स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत किसी को अभी? तो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ये हमने किया, ठीक है, तो ये तक ये किया हमने तक, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमें i की वैल्यू फाइंड करनी थी, आई मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ sec cube x, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i नाउ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i नाउ, i इज इक्वल टू इट कम्स आउट टू बी ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके, इट इज sec x x बाई 2 प्लस, अच्छा ये जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म लिखना नहीं भूलना है, प्लस की राइट, तो दैट इज log of sec x plus tan x divided by plus k by 2, k by 2 I can write c, so this is your answer, ठीक है students। तो देखा आपने किस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो एक सिंगल फंक्शन था लेकिन हमने इसको ब्रेक कर लिया दो फंक्शन के अंदर, और जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था उसको हमने आई एज्यूम किया था स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखना, ठीक है आप लोग,
कई बार क्या होता है, जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं वही टर्म्स इंटीग्रेशन के अंदर आ जाता है, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है स्टूडेंट्स। तो देख रहा होगा आपको कैसे हमने सॉल्व किया इसको, आपके स्क्रीन चल रहा होगा। कोई दिक्कत किसी को? तो ये एक एग्जांपल था ऐसे फंक्शन का जो एक सिंगल फंक्शन है लेकिन इसको हमने ब्रेक कर लिया दो फंक्शन में। तो ऐसे भी कई क्वेश्चन होंगे आपके एनसीईआरटी की बुक्स में, तो उनमें भी ध्यान देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन को दोबारा देखने के लिए आप वीडियोस को पॉज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ पे इसको बहुत ध्यान से देखना चाहते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं। ये तो एग्जांपल था जहाँ पे एक सिंगल फंक्शन था जिसको हमने दो फंक्शन में ब्रेक किया था। क्या ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हैं? यस हैं। जैसे इसमें अगर हम लेके चलें क्वेश्चन नंबर थर्टीन, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है जो एक सिंगल फंक्शन है। जैसे ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है, नहीं ये तो दो फंक्शन का है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 10। जैसे ये दो क्वेश्चन है, इसमें एक सिंगल फंक्शन आपको गिवन है, तो इसको हम किस प्रकार से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं, इसको आपको देखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ पहले, ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं इसमें पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 इसको आपने इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे इसको हम, तो लेट t इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको आप इनवर्स से बिना इनवर्स में बदल करके भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम t को साइन इनवर्स एक्स अज्यूम कर लें, राइट, देन व्हाट यू गेट, यू गेट dt/dx इज इक्वल टू 1/√1 − x². ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दिस वे व्हाट यू गेट फ्रॉम दिस इक्वेशन, व्हाट यू गेट x इक्वल टू साइन डी, राइट। फ्रॉम दिस इक्वेशन what you get dt, that is you get √1 − x² dt to dx, right। ये जो dx की वैल्यू है, इस पूरी dx की वैल्यू को हमें t की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी देखिए जरा कि ये जो x लिखा हुआ है, इन प्लेस ऑफ दिस x एक कैन राइट साइन t, और ये बन जाएगा आपका 1 − sin² t इन √ 1 − sin² t dt इज इक्वल टू डी एक्स, और 1 − sin² t क्या होता है स्टूडेंट, दैट इज cos t, सो वी कैन राइट
cos t equal to dx। इस प्रकार से हमने देखा कि हमने dx को t की फॉर्म में लिख पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, इसका थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब तक किया हमने। ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो किस प्रकार जो हमने जो फंक्शन था, एक सिंगल फंक्शन था, उसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, आप देखते हैं इसको। ठीक है, तो हमने इस साइन इनवर्स इन्वर्स वाले फंक्शन को एक सिंपल फॉर्म में बदल दिया, यानी बिना विदाउट इन्वर्स वाला फंक्शन में बदल दिया। तो इसको जो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको हम लिख सकते हैं, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, ये जो साइन इन्वर्स एक्स है, इन प्लेस ऑफ दैट वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर एंड cos t dt, right? Now this is, there are two function now, this is t square, this is cos t, these two are different function, right? Now हमें सोचना होगा कि किसको हम first function assume करें, किसको हम second function assume करें। तो we have I let first function which come first, is that clear? तो देखिए यहाँ पे एक algebraic, एक trigonometric, ये आपका algebraic है और ये trigonometric है, तो t square को आप first function assume कर लेंगे, तो इसका integration कैसे करेंगे students, देखिए आप, this is equal to, what is t square? The whole formula is first into integration of second minus integration of second then dx। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? तो स्टूडेंट्स इसको देख लेते जरा, तो यहाँ ब्रैकेट आ गए ए टी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इरेज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज राइट। कोई दिक्कत किसी को? ये देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos t dt then minus differentiation of first means differentiation of t square then integration second means integration of cos t dt and whole integration with respect to t, right? Ab dekhiye students, this is your t square, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज sin t माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ t square क्या होता है, दैट इज 2t, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, sin t एंड dt, राइट? कोई दिक्कत किसी को? तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, इसको हम क्या ज़ूम कर लेते हैं, दिस इज योर आई, लेट इट बी आई, सो ये आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब
ये आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे था इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, देन आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी माइनस टू, कॉन्स्टेंट नंबर है, यू कैन टेक इट आउट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर से इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। तो टी इज फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फोर डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या हमारे पास टी है, देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी होल विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बन गया। तो हो सकता है कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दो बार यूज करना पड़े, तो घबराना नहीं है, आपने कैलकुलेशन ठीक रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से करना है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, फोकस बना के रखना है, घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि होगा ही नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन साइन आपको डालना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, टी स्क्वायर साइन टी देन माइनस टू टी, ये जो साइन टी है इसका इंटीग्रेशन क्या था स्टूडेंट्स, माइनस कॉस टी, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज वन, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, दैट इज माइनस कॉस टी डी टी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन टी, देन इस माइनस टू के अंदर ले आइए आप लोग, तो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू माइनस, दैट इज पॉजिटिव 2t cos t, then cos t condition क्या होता है, sin t होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, राइट। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 sin t, राइट, दिस इज ब्रैकेट, राइट, दिस इज ब्रैकेट, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन कॉस टी साइन टी, साइन टी राइट, प्लस कॉन्स्टेंट राइट। तो ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया टी की फॉर्म में। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब ये करना है स्टूडेंट कि आंसर हमेशा किस फॉर्म में होगा, एक्स की फॉर्म में होगा। तो आंसर को एक्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हमने टी और एक्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टी और एक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या था, टी इक्वल टू क्या था, साइन एक्स, और सॉरी टी इक्वल टू था साइन इनवर्स एक्स। टी इक्वल टू अगर साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ पे टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, साइन टी की जगह आएगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया था स्टूडेंट्स, हमने एज्यूम किया था टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू क्या थी, साइन टी। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, जो ये टी स्क्वायर है, इन प्लेस ऑफ दिस टी स्क्वायर आई कैन राइट साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, and in place of this sin t I can write x plus 2
टी, टी मीन्स साइन इनवर्स एक्स, कॉस टी। अभी कॉस टी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस कॉस टी को साइन में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर टी मीन्स एक्स स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स, माइनस साइन टी। साइन टी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर आंसर। ओके वन मोर थिंग, दिस इज योर माइनस साइन टी, आई थिंक दिस इज योर माइनस साइन टी, और नो 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 दिस इज नॉट माइनस, दिस इज टू साइन टी, राइट, बिकॉज ऑफ दिस टू। एनी प्रॉब्लम हियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम लिख देते हैं इन प्लेस ऑफ दिस के आई कैन राइट। तो कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से फोकस बना के चलना है आप लोगों ने, ठीक है। तो दिस इज स्लाइटली, ठीक है, सही है। सो दिस इज योर 2x, दिस इज योर 2x, राइट स्टूडेंट्स। तो इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज योर माइनस 2x प्लस के, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन को हमने किस ढंग से इसको किया है, तो ये हमने इसका सॉल्यूशन किया स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत किसी को? फाइनल दिस इज द आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत किसी को? तो ये क्वेश्चन किया हमने। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। बार बार देखिएगा, तो ये हमने किया क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कंप्लीट क्वेश्चन देख लेते हैं वरी स्टूडेंट्स, कैसे हमने किया इसको, ये हमने क्वेश्चन किया, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, करते हैं हम स्टूडेंट्स अब करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, आप देखिए स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा होगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक सिंगल फंक्शन है, ठीक है, और इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। मैंने समझाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आएगा क्वेश्चन के अंदर, तो हम कोशिश करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो टेन इनवर्स एक्स का
एक्स है, इसको हम टी एज्यूम कर लेते हैं, तो लेट टी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो यू कैन से व्हाट इज डी टी बाई डी एक्स, और वी कैन से लेट इट एक्स विल बी इक्वल टू टेन टी. नाउ फाइंड डी टी बाई डी एक्स, सो डी टी बाई डी एक्स विल बी, याद हो गया होगा आपको कि टेन इनवर्स एक्स का जो इंटीग्रेशन, सॉरी जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज डी टी इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी एक्स. अब हमें डी एक्स जो वैल्यू चाहिए वो एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में चाहिए, जब टी और एक्स की फॉर्म में नहीं चाहिए होती है. तो यहाँ पे कुछ टी है और ये एक्स है, इस एक्स को हम टी में कन्वर्ट करेंगे. राइट राइट स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे देखिए. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो x लिखा हुआ है, इन प्लेस ऑफ दिस x आई कैन राइट 10t फ्रॉम दिस. तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो ये 10 इनवर्स x dx करना है हमें, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ, ओके फर्स्ट ये जो x है इस x के लिए हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर टी. सो 1 प्लस 10 स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स. राइट स्टूडेंट्स, और ये जो 1 प्लस 10 स्क्वायर टी है मीन्स sec स्क्वायर टी डी टी डी एक्स. तो देखा हमने डी एक्स को, यानी एक्स को हमने टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अभी सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, और लेट इट बी आई, इसको हम आई अज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स. आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है टी, और डी एक्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर टी डी टी. राइट, दैट इज सेक स्क्वायर टी डी टी. कोई दिक्कत स्टूडेंट, किसी को भी कोई दिक्कत, सब समझ में आ रहा है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा. अब ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन बन गए, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है, वो दो फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है, एक टी और दूसरा सेक स्क्वायर टी. राइट, इसमें से हम फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए. तो ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है. तो एल्जेब्रिक हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और सेकंड फंक्शन मानेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक. राइट, तो फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, फॉर्मूला था फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. राइट, ये हमारा फॉर्मूला था. तो देखिए अब कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट फंक्शन क्या है टी, सेकेंड फंक्शन क्या है सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन. राइट, देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज टी, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर टी डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी. राइट, ये दो दो टी टी आ रहे, ध्यान में इस बात को. टी sec स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है टेन टी, ये आपको टट गया होगा. इंटीग्रेशन डिफरेंशियल टी क्या होता है, वन होता है, और sec स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन टी डी टी. राइट, कोई दिक्कत किसी को, किसी भी इसमें कुछ पूछना है,
ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, फाइनल स्टेप रह गया, देख लीजिए उसको भी। t 10 t या आई की वैल्यू आ गई है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 t क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन ऑफ 10 t होता है लॉग ऑफ cos t, राइट स्टूडेंट? इंटीग्रेशन 10 t क्या होता है लॉग ऑफ 10 t, माइनस लॉग ऑफ 10 t, माइनस लॉग ऑफ 10 t, सॉरी इंटीग्रेशन 10 t इज माइनस लॉग ऑफ कॉस टी, दैट इज माइनस कॉस टी, राइट? तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू टी 10 t माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस टी। अब क्या करना है स्टूडेंट्स हमें, अब हमें ये करना है स्टूडेंट्स, सॉरी ये लॉग लिखना भूल गया स्टूडेंट्स, ये लॉग लिखना पड़ेगा आपको, इसे थोड़ा सा इरेज करके दोबारा देख लेते हैं इसको स्टूडेंट्स। देखिए तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा टी 10 t माइनस 10 t का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? माइनस माइनस ऑफ कॉस टी, तो ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस एंड दैट बिकम्स लॉग ऑफ कॉस टी प्लस कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट। हमेशा याद रखना लॉग के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसके हमेशा मॉड के अंदर लिखना, ठीक है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा जो क्वेश्चन था, देखिए हमारा क्वेश्चन था एक्स की फॉर्म में, तो आंसर भी एक्स की फॉर्म में ही होना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स? थोड़ा सा स्क्रीन को मैं छोटा कर लूँ ताकि एक साथ दिख पाओ। ये क्वेश्चन था हमारा, देखिए हमने कैसे किया इसको। अब आंसर हमेशा एक्स की फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको वापस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, तो क्या लिखेंगे देखिए, तो हमने टी की जगह क्या एज्यूम किया था 10 x, तो इन प्लेस ऑफ दिस टी आई कैन राइट 10 x, इन प्लेस ऑफ दिस 10 t आई कैन राइट फ्रॉम हेयर x, सो इंटू एक्स प्लस लॉग। अब देखिए स्टूडेंट, ये कॉस्ट हमें फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स? कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे देखिए, यानी कॉस्ट को हमने 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। यू नो इट वेरी वेल दैट 10 t इज इक्वल टू एक्स बाई वन, राइट? और जो 10 होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर मैं इस डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये आपका x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा अंडर रूट 1 x² बाई यूजिंग पाथकोस थ्योरम। फ्रॉम दिस यू कम टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos t, cos t, सो दिस इज योर t एंगल, राइट? cos t इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1 x² कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? तो इस तरह से cos t की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 1 x² ठीक है स्टूडेंट्स? प्लस के की भी किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत? ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो फाइनली हमारा आंसर बना है स्टूडेंट्स, अब देख रहे हैं मैंने कैसे किया इसको, तो ये हमारा फाइनल आंसर है,
आंसर को आप ऐसे लिख सकते हो एक्स टेन यूनिवर्स एक्स। अब ये जो नंबर है इसको आप एज ए न्यूमरेटर लिख सकते हो, कैसे, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ प्लस के, राइट। एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज, इससे पहले स्टूडेंट्स मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ स्टूडेंट्स, तो इसको यहाँ से इरेज कर दिया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए ठीक है, और ये आपको दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा फाइनली आंसर आ गया वो आ गया आपके पास एक्स टेन वर्स एक्स माइनस हाफ log वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन आज सॉल्व किए, तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या किया हम लोगों ने। ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इसको देखेंगे आप लोग, ठीक है, कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व। किसी कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो हमने आज क्लास ली है उस क्लास में बेसिकली हमने क्या पढ़ा है कि किस प्रकार एक किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई सिंगल फंक्शन दे रखा होगा तो उसको हम दो फंक्शन में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, तो ये सब किया है हमने स्टूडेंट्स, ठीक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राजेंद्र सिंह को आज्ञा दीजिए आप लोग, धन्यवाद।